पर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। हर शहर की सीमा पर ये नज़ारा अक्सर तब नजर आता है जब माल से लदे ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं। लेकिन जीएसटी बिल के लागू हो जाने के बाद शहरों की चुंगियों पर लगने वाली ट्रकों की ये लंबी लाइनें अब अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जीएसटी बिल के लागू होने पर इन जैसे ट्रकों को हर राज्य को अलग अलग टैक्स चुकाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। There'll be uniformity of taxation as far as the whole country is concerned. You will not come across a situation where trucks are either waiting outside a state or outside a city in order to enter. There'll be a seamless transfer of goods and services. The whole country, which is 1/6 of world's population, would become a single market. Goods and services tax, yani जीएसटी बिल का सबसे बड़ा फायदा देश के आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि तब सारे देश में चीजें एक समान कीमतों पर ही मिलेंगी, चाहे उपभोक्ता उन्हें किसी भी राज्य से खरीदे। जीएसटी बिल लागू होने से माल के उत्पादन और उसे बाजार तक पहुंचाने में कंपनियों का खर्चा भी घटेगा। राज्यों को मिलने वाला वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स और चुंगी जैसे टैक्स भी खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जीएसटी बिल के प्रावधान लागू होने से लोगों को अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इन सभी उपायों से महंगाई घटाने में मदद मिलेगी। कि जीएसटी को हम सिर्फ एक आर्थिक रिफॉर्म के दायरे में ही देखते हैं, उसके कारण सही बात नीचे नहीं पहुंचती है। जीएसटी न होने का सीधा मतलब है उत्तर प्रदेश के गरीबों का नुकसान, जीएसटी न होने का सीधा मतलब है बिहार के गरीबों का नुकसान, जीएसटी का न पास होने का मतलब होता है बंगाल, आसाम, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों के गरीबों का नुकसान, क्योंकि उस राज्य को सबसे ज्यादा पैसे का लाभ मिलने वाला है, वो पैसे उस राज्य की गरीबों की भलाई के लिए काम आने वाले हैं। और इसलिए चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे नवीन बाबू हो, ये सारे राज्य जीएसटी जल्दी पारित हो इसके लिए आग्रही है। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी बिल लागू होने से टैक्स की चोरी अपने आप रुक जाएगी, जिसका सीधा फायदा देश के आर्थिक विकास और लोगों को मिलेगा। आई एम श्योर द इनएक्टमेंट ऑफ द जीएसटी एज आई हैव सेड अर्लियर will bring about the best as far as the economic management of this country is concerned in its federal forms. It will empower the states. It will increase the revenue of the states as also of the central government. It will try and dissuade, discourage and bring down levels of evasion. It would ensure that there is no tax on tax, so the cascading effect of taxes in the value of goods itself is not no longer there, and that could even make some of the products cost less. It would certainly give a boost as far as the economy is concerned, which is required at this very critical stage.